कलर्स चैनल के चर्चित शो बिग बॉस के मुख्य घर में आखिरकार भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की एंट्री हो ही गई। इस वीकेंड खेसारी लाल यादव की एंट्री भोजपुरी क्वीन रानी चटर्जी के वेलकम परफॉर्मेंस से हुई। खेसारी रानी के पुराने दोस्त हैं, इसलिए न सिर्फ उन्होंने खेसारी के लिए परफॉर्मेंस किया बल्कि उनके लिए भोजपुरी के लाखों दर्शकों से वोट मांगी। खेसारी के सुपरहिट सॉन्ग ठीक है पर दोनों ने परफॉर्मेंस भी किया। रानी ने कहा कि खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री की शान है, इसलिए उनके चाहने वाले उन्हें जमकर वोट करें और बिग बॉस की ट्रॉफी उन्हें दिलाने में मदद करें, क्योंकि ये भोजपुरी आन बान और सम्मान की बात है। खेसारी लाल यादव अब तक बिग बॉस के सीक्रेट रूम में थे, जहां से उन्हें मुख्य घर के लोगों को देखने और उनके गेम को समझने का मौका बिग बॉस ने दिया था, लेकिन अब वे दर्शकों को मुख्य घर में नजर आएंगे। हालांकि बिग बॉस शुरू होने से पहले चर्चा ये भी थी कि बिग बॉस में रानी चटर्जी जा रही है, लेकिन वे खतरों के खिलाड़ी शो में गई, जिसका टेलीकास्ट कलर्स पर ही होगा लेकिन बिग बॉस खत्म होने के बाद। लेकिन अपने दोस्त खेसारी को बिग बॉस के घर में देखकर वे बेहद खुश हैं। उन्होंने सलमान खान के सामने खेसारी की जीत की कामना की और दर्शकों से उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट देने की अपील भी की।